नमस्ते दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हुए कि भारत के अंदर पर डे जो कोरोना के केस देखने को मिल रहे हैं ना, वन डे के अंदर 3,45,000 से ज़्यादा कोरोना के केस वन डे में देखने को मिल रहा है। यानी कि भारत का क्रूशियल टाइम चल रहा है, भारत का ये जो टाइम है ना सही नहीं चल रहा इतने सारे। और वहीं बात करें जर्मनी के अंदर टोटल केस कितने हैं, 3,14,828 केस हैं। ये बात मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों आइए एक छोटी सी कहानी समझते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रांस के राष्ट्रपति है जो भारत के सपोर्ट में, और जो जर्मनी की चांसलर है वो भारत के सपोर्ट में नहीं है। उनके द्वारा जो कमेंट किया गया है ना भारत को लेके, उसके बारे में भी बात करेंगे। और वहीं सबसे शक्तिशाली देश कौन, USA अमेरिका, जिसने रॉ मटेरियल पर एक्सपोर्ट का बैन लगा दिया है। वहीं से ही सर्वाधिक भारत को रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, जिसके कारण से भारत एक बड़े लेवल पर, एक लार्ज लेवल पर ही वैक्सीनेशन या वैक्सीन बनाने का काम करता है। ये आर्टिकल देखो आप, एंजेला मर्कल लेमेंट्स दैट अलाउड इंडिया टू बिकेम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, फियर दैट दे विल नॉट गेट COVID-19 मेडिसिन। यानी कि इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो भारत COVID-19 की जो वैक्सीन है उन पर बैन लगा दिया गया है एक्सपोर्ट पर। और इसी के साथ में दूसरा आर्टिकल देखे द हिंदुस्तान टाइम्स का, तो इसके अंदर लिखा है US डिफेंड कर्ब्स ऑन वैक्सीन रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट, एंजेला मर्कल टारगेट इंडियन फार्मा। यानी कि जो एंजेला मर्कल कौन है, एंजेला मर्कल साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि जो एंजेला मर्कल आप जो देख पा रहे हो ना स्क्रीन पर, ये है एक जर्मनी पॉलिटिशियन और जर्मनी की चांसलर है। और ये जो पार्टी है उसका नाम है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखती है, उस यूनियन के अंदर है। इनके द्वारा भारत के प्रति, इंडिया के प्रति ये कमिटमेंट किया गया है कि भारत वर्ल्ड फार्मेसी यानी कि जो गोली दवाई वैक्सीन बनाने के अंदर जो नंबर वन पे रैंक कर रहा है ना, उस भारत ने यूरोपियन देश की मदद नहीं कर रहा है, यूरोपियन जो कंट्री होते हैं ना उनकी मदद नहीं कर रहा है भारत। इसलिए इनके द्वारा कमिटमेंट किया गया है कि भारत इतने लार्ज स्केल पर वैक्सीनेशन करना है उसने उस पर, और जो एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन उस पर उसने बैन लगा दिया गया है, और उसको बैन नहीं लगाना चाहिए। भारत के इंसानों की, जो भारत की जो आदमी है ना जो कोरोना केस एक्टिव है, उनकी मदद करने से पहले जो यूरोपियन के जो लोग हैं ना उनकी मदद करना चाहिए, ऐसा इनका कहना। इस लेडी को ये समझ नहीं आया कि जो अमेरिका इतना शक्तिशाली देश है उसने रॉ मटेरियल पर रोक लगा दी भारत के प्रति, उसने इस तरह का। और वहीं पे देखे फ्रांस के राष्ट्रपति कौन, इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा दोस्तों भारत को क्या बोला गया है, हम आपके साथ हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं, जो भी मदद करनी होगी हम आपको करेंगे। जबकि वहां पे भी कोरोना के केस देखने को मिल रहे हैं। आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये भारत का क्रूशियल टाइम है, जब ये बुरा टाइम थम जाएगा, जब आगे देखा जाएगा, फिर तो ऑटोमेटिक ही पता लगेगा कौन सा देश साथ था। वही देश मित्र होता है जो दुख के अंदर साथ होता है। अब आप खुद ही देख लो कि यूरोपियन कंट्री ने अपने तेवर खड़े कर दिए, जर्मनी के चांसलर के द्वारा ये कमिटमेंट आ रहा है, अमेरिका के द्वारा जो एक्सपोर्ट होता है रॉ मटेरियल वो रोक लिया गया, कौन सा देश विकट परिस्थिति में भारत के साथ है। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों ने जो एंजेला मर्कल जो कि जर्मनी की चांसलर है उसके बारे में जाना, और उसने क्या भारत के ऊपर कमेंट किया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर ज़रूर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।